हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्रॉप के बारे में पढ़ना है, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है। सिंपली कहें तो जो क्रॉप होता है, क्रॉप की को लगाने से शुरू करके आपके घर तक, आपके बर्तन तक क्रॉप कैसे पहुंचता है, जो खाना है वो कैसे पहुंचता है, इस चीज़ को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर को शुरुआत करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले आता है कि हम सभी ने ये पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड की ज़रूरत होती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो प्लांट हैं वो अपना फूड तो खुद से बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। अब यहाँ पर आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस था जरा बताइए, तो प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्लांट्स थे वो अपना फूड खुद से बनाते थे। और यहाँ पर अब आती है बारी हम लोगों की, यानी एनिमल्स की। तो एनिमल्स अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, ये भी आपको पढ़ाया गया था। जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉप्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं, यानी कि जिसमें हम लोग ह्यूमंस भी आएंगे, हम लोग क्या करते हैं, या तो दूसरे प्लांट को खाएंगे या फिर जाकर दूसरे एनिमल को खाएंगे। इस तरीके से हम अपने भोजन की, फूड की नीड को पूरा करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले सवाल उठता है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में पूछा गया है, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, हम लोगों को भोजन क्यों खाना चाहिए, हम लोगों को भोजन क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी यहीं पर आपको दिया गया है कि हम सभी को पता है कि जो एनर्जी है जो कि हमें फूड से मिलती है वो हमारे शरीर में यूटिलाइज की जाती है, ताकि हमारा शरीर जो है कुछ खास बॉडी फंक्शन को कर सके, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इस तरीके के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे आप अपने आप को देखिए, तो आपका ब्रेन जो है वो लगातार काम करते रहता है, तो उसमें एनर्जी लगती है। आपका हार्ट 2400 घंटे काम करते रहता है, आपका जो फेफड़ा है वो 2400 घंटे काम करते रहता है, 2 मिनट बंद हो जाएगा तो आप मर जाइएगा। उसी तरीके से शरीर जो है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और सभी को एनर्जी चाहिए होता है अपना फंक्शन करने के लिए। आपका बॉडी लगातार ग्रो कर रहा है तो आपके ग्रोथ के लिए भी ताकत चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ पर आगे एक सवाल पूछा जा रहा है बूझो द्वारा, तो यहाँ पर बूझो क्या पूछता है, सेल वी ऑल नीड फूड, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो यहाँ पर यही टॉपिक को हमें इस चैप्टर में समझना है कि हम अपने देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन कैसे खिलाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें की जाती हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर भी शॉर्ट में दिया गया है, हम क्या करते हैं, फूड को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं ताकि इतने लोगों का पेट भरा जा सके। अब देखिए, इतने लोगों को भोजन खिलाना है तो उसमें क्या क्या स्टेप होने चाहिए, यह बताया गया आपकी किताब में कि यहां पर अगर हमारे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो इनको रेगुलर और सही अमाउंट में भोजन प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, यानी हर सीजन में, हर साल हमें खेती करनी होगी और अनाज उगाने होंगे जिससे कि हम लोगों का पेट भर सकें। इसके साथ साथ प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा ताकि हम अनाज को सुरक्षित रख सकें, कि ऐसा ना हो कि कोई कीड़ा आकर हमारे खेत में फसल खा जाए, ऐसा ना हो कि हम कहीं पर स्टोर करें और वो सड़ जाए, तो ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि हमारा जो स्टोरेज है या फिर जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो। और अंत में आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि अनाज उग गया, स्टोर भी कर दिया गया, अब उसको लोगों तक पहुंचाना ताकि लोग अपना पेट भर सकें और अपने शरीर की, बॉडी की जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। अब इसके बाद आता है इसमें हमारा पहला टॉपिक, टॉपिक नंबर 1.1, वह है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट में एग्रीकल्चर का हिस्ट्री हम देखते हैं, ये बताया गया है 10,000 BC तक जो लोग थे वो नोमैडिक थे, एक तरीके से घुमंतु लोग हुआ करते थे। वो क्या करते थे, ग्रुप बनाकर घूमते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, ताकि उनको कुछ खाने को मिल जाए, उनको कुछ रहने के लिए शेल्टर मिल जाए, और वो एक तरीके से घुमंतु जीवन जीते थे। और वो क्या खाते थे, वो खाते थे रॉ फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, और यहां तक कि एनिमल को हंटिंग उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया था ताकि वो अपना फूड की नीड को पूरा कर सकें। आगे चलकर उन्होंने क्या सीखा कि हम लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं और राइस, वीट और भी दूसरे क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं, और ये जो क्रॉप्स हैं यानी जो अनाज है, जो फूड है, उसको अपने चॉइस से एक खास इलाके में प्लानिंग के जरिए जो उगाने का जो प्रोसेस हुआ
वही हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर। हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर में, वैसे प्लांट्स जिसको कि हम खाते हैं, वैसे प्लांट को एक बहुत बड़े इलाके में हम क्या करते हैं, उगाते हैं, ताकि अपने भोजन की नीड को पूरा कर सके। बेसिक तौर पर यही एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है और वो होता है क्रॉप। अब क्रॉप क्या होता है इसको समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। यानी कि एक ही प्रकार के अगर हम प्लांट को बहुत बड़े इलाके में अगर उगाते हैं, एक ही प्लांट को, तो हम क्या उसे कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक खेत में अगर केवल वीट उगा रहे हैं तो हम कहेंगे कि वीट का क्रॉप है। अगर हम एक खेत में राइस उगा रहे हैं तो हम कहेंगे राइस का क्रॉप है। अगर एक खेत में केवल सुगर केन उगा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, सुगर केन का क्रॉप है। लेकिन अगर आप अपने घर में अगर कोई पॉट लीजिए, कोई गमला लीजिए, और उसमें एक प्लांट उगाइए राइस का या फिर वीट का, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो क्रॉप है? नहीं, उसको क्रॉप नहीं कहते हैं। क्रॉप कहने का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने एक ही प्लांट को बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े इलाके में आपने उगाया है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रॉप है ये वीट का क्रॉप है। किस चीज़ का है? वीट का क्रॉप है। अब वीट का क्रॉप है तो क्या यहाँ पर एक प्लांट उगाया गया है वीट का? नहीं। 10 है? नहीं। 100 है? नहीं। 10,000? नहीं। लाख, लाखों की संख्या में क्या है यहां पर? वीट का प्लांट को उगाया गया है। तो क्या है ये? वीट का क्रॉप है। अब इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे प्लांट भी होते हैं जिनको कि क्या किया जाता है, उगाया जाता है। किस चीज के लिए? हमारे बॉडी या फिर हमारे शरीर की नीड को पूरा करने के लिए, और सिर्फ हमारे नहीं, जितने भी हमारे देश में लोग हैं सभी के नीड को पूरा करने के लिए। अब देखिए यहां पर आपको पता है कि जो क्रॉप होते हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने अगर खाना खाया है तो खाने में क्या आप चावल केवल खाते हैं? नहीं, आप दाल भी खाते हैं, साथ में दूसरे सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो इसका मतलब सभी चीजों को उगाया जा रहा है, तभी तो आप खा रहे हैं, तभी तो आपके घर तक, आपके बर्तन तक, आपके मुंह तक आ रहा है। यानी कि जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इसके अलावा ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जितने भी क्रॉप्स हैं उनको अब हम क्लासीफाई करने वाले हैं। किस आधार पर? इस आधार पर कि उन क्रॉप्स को किस सीजन में उगाया जाता है, समझ गए? सीजन के आधार पर क्रॉप्स को हम क्लासिफाई करेंगे। इंडिया की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, इंडिया में जो क्रॉप्स है उनकी बात होगी यहां पर। अब देखिए इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ही वास्ट कंट्री, बहुत तरीके की यहाँ पर डाइवर्सिटी है। आप देखें तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी इंडिया में बहुत वेरी करता है। कहीं पर टेम्परेचर अच्छा रहेगा, कहीं पर बहुत गर्मी होगी, कहीं पर बहुत ठंडी होगी, कहीं पर ह्यूमिडिटी कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा। यानी कि अलग अलग जगह पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि बारिश, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं, कहीं पर कम ज़्यादा हर जगह होते रहता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत तरह के क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इन सभी डाइवर्सिटी के बावजूद अगर हम क्रॉप्स को क्लासिफाई करें तो उनके क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि उनके सीजन के आधार पर दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये जो कैटेगरीज होंगी, पहला होगा खरीफ क्रॉप, दूसरा होगा रबी क्रॉप। एक देखिए तीसरा सीजन भी होता है जिसको कि जैद कहा जाता है, जैद, जैद सीजन। यहाँ पर उसकी बात आपके किताब में नहीं की गई है लेकिन उसको शॉर्ट में मैं आगे बता दूंगा। अब देखिए खरीफ क्रॉप की बात करें, खरीफ क्रॉप क्या होता है? जब क्रॉप्स को रेनी सीजन में जिन क्रॉप्स को उगाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? खरीफ क्रॉप कहा जाता है। अब ये रेनी सीजन कहने का मतलब है जून से लेकर सितंबर तक लगभग। देखिए ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट एकदम है, कभी जून से पहले लगाया जाएगा, कभी सितंबर के बाद उसको काटा जाएगा। तो ये मेनली डिपेंड करता है मानसून के ऊपर, यानी कि जब मानसून आता है तब इस क्रॉप को लगाया जाता है, जब मानसून जाने लगता है या फिर खत्म हो जाता है उस समय काटा जाता है। एग्जाम्पल में यहां पर आपके लिए दिया गया है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सभी क्या है? ये सभी खरीफ क्रॉप है। इसके बाद रबी क्रॉप की बात करें तो ये जो रबी क्रॉप है इनको विंटर सीजन में उगाया जाता है और इनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है, समझ गए? अब यहां पर इनका जो टाइम पीरियड होता है ये अक्टूबर से मार्च होता है। अब ये भी कोई स्ट्रिक्ट नहीं है,
समझ गए, स्ट्रिक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है अक्टूबर से मार्च, हो सकता है थोड़ा पहले काट लिया जाए, हो सकता है थोड़ा लेट से, यानी कि जब विंटर आने वाला होगा, विंटर आने जैसा स्थिति होगा तब क्रॉप को लगाया जाएगा, विंटर खत्म होने वाला रहता है, गर्मी आने लगती है तो उस समय क्या होता है, इस क्रॉप को काट लिया जाता है। एग्जाम्पल है रबी क्रॉप का वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सभी हैं। इसके अलावा गर्मी के दिनों में पल्सेस, वेजिटेबल्स या फिर जो फ्रूट्स कुछ होते हैं उनको उगाया जाता है, और वो जिस कैटेगरी में आते हैं वो होता है जायद, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में आपकी किताब में बात नहीं की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आता है 1.2 टॉपिक क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स या फिर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसकी बात करते हैं। अब यहां पर बात आता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि क्रॉप्स के कल्टीवेशन में जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं बहुत सारे तरीकों से, जो कि जरूरी होता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पर यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाई ए गार्डनर और इवन बाई यू वेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। देखिए, जो खेती में यानी जो एग्रीकल्चर में, खेतों में जो एक्टिविटी होती है वो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल एक्टिविटी है, जो आप अपने घर में अगर कोई छोटा सा पौधा उगा रहे हैं तो उसमें आप जो काम करिएगा बिल्कुल वही काम किसान भी करेगा, लेकिन अपने पूरे खेत में करेगा। अगर आपके आसपास कोई गार्डन है तो गार्डन में गार्डनर अगर कोई काम करता है, बिल्कुल वही काम जो किसान होता है वो अपने खेत में करता है, यानी कि कोई स्पेशल टास्क वो नहीं करता है, बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटीज करता है, जो कि आप कहीं भी प्लांट उगाइए वो आपको करना होगा। और ये जो एक्टिविटीज होते हैं या फिर ये जो टास्क होते हैं इनको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि खेती के दौरान, एग्रीकल्चर के दौरान जितने भी स्टेप्स उठाए जाते हैं, जितने भी काम किए जाते हैं, वो क्या हो गया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गए। और ये जो एक्टिविटीज हैं इनको यहां पर नीचे लिखा गया है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि जमीन को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। दूसरा है सोइंग यानी कि मिट्टी को बोना। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी कि जो खाद और जो मैन्योर है उसको डालना। चौथा इरिगेशन, पानी पटाना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि जो बेकार के जो होते हैं प्लांट्स, जो कि एक्स्ट्रा प्लांट वहां पर रुक जाते हैं उनको हटाना। हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सभी स्टेप्स हैं, इनको यहां पर डिटेल में, थोड़ा डिटेल में आपके चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि आप सिंपली समझिए तो क्रॉप प्रोडक्शन में जो भी स्टेप होते हैं उसको यहां पर आपको पढ़ना है। अब यहां पर सबसे पहले क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहने का मतलब कि जमीन को कैसे तैयार किया जाता है कि वहां पर खेती की जा सके। अब यहां पर यही कहा गया है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी कि किसी भी क्रॉप या फिर किसी भी फसल को लगाने से पहले जो स्टेप किया जाता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जमीन को तैयार किया जाता है कि वहां पर खेती किया जा सके। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अब प्रिपरेशन में किया किया जाता है, ये थोड़ा सा समझना होगा कि प्रिपरेशन कर, हम मिट्टी को तैयार कर रहे हैं तो कैसे तैयार कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम सॉइल को जोतते हैं, मिट्टी को जोतते हैं। जब आपने अपने आसपास अगर आपने कभी खेती देखी है तो आपने देखा होगा कि वहां पर दो बैल होते हैं, एक आदमी होता है, एक हल होता है और उससे मिट्टी को जोता जाता है। लेकिन आज के समय में वो दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने आजकल देखा होगा क्या कि ट्रैक्टर के जरिए पूरे खेत को जोत दिया जाता है। तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर किया जाता है कि जो सॉइल है उसको लूज किया जाता है, वो उसको ढीला किया जाता है और साथ में उसको क्या किया जाता है, टर्न किया जाता है यानी पलटा जाता है, यानी नीचे की मिट्टी को ऊपर लाया जाता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो रूट्स हैं वो आसानी से सॉइल में नीचे तक पेनिट्रेट कर सकें, ज़्यादा नीचे तक जा सकें। और ऐसा होगा क्यों जरूरी है, ऐसा होना, ऐसा इसलिए होना जरूरी है क्योंकि प्लांट्स जो के जो जड़ होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा, साथ में उसको मजबूती, जो प्लांट है उसको मजबूती भी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लूज करते हैं सॉइल को ढीला करते हैं, सॉइल को कमज़ोर बना देते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा रूट है, प्लांट का जो रूट है वो आसानी से ब्रीद करने पाएगा। जब वो बहुत ही नीचे जाएगा उसके बावजूद वो ब्रीद करने पाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले सवाल उठेगा कि आखिर सॉइल को लूज करने से जो रूट्स हैं वो आसानी से ब्रीद कैसे कर पाते हैं।
इसको समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर उसका आंसर यहीं पर दिया गया है, द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। यानी कि जब सॉइल को लूज कर दिया जाता है तो सॉइल में अर्थवॉर्म या फिर दूसरे माइक्रोब जो है वो आसानी से पनप पाते हैं, आसानी से ग्रो कर पाते हैं। और ये क्यों जरूरी है? ये माइक्रोब्स या फिर अर्थवॉर्म का ग्रोथ जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी है, ये जो माइक्रोब्स है, ये मिट्टी को और भी ज्यादा टर्न कर देते हैं या फिर सॉइल को लूज कर देते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड कर देते हैं। अब ह्यूमस क्या है उसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमस से जनरली कहें तो नेचुरल जो डेड प्लांट या फिर एनिमल से जो डिके होकर जो मैन्योर बनता है वो हमारा ह्यूमस होता है, या फिर यही लगभग इसी चीज को हम ह्यूमस कहते हैं। और भी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है लेकिन उसकी यहां पर बात नहीं की गई है तो हम नहीं बात करेंगे। बट व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजेंड, यहां पर यानी कि सॉइल को टर्न करना और लूज करना क्यों जरूरी है? तो देखिए प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉइल होता है वो मिनरल कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है, एयर कंटेन करता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी कंटेन करता है। इसके साथ ही डेड प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो सॉइल ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है जो कि डेड ऑर्गेनिज्म में मौजूद है उसको फिर से सॉइल में मिला दिया जाता है, वो मिल जाता है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इसको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट द्वारा। तो यहां पर क्या हुआ कि जो मिट्टी है वो क्या है, स्थिर है, उसको अगर हम टर्न कर देंगे या फिर उसको एक तरीके से मिक्स कर देंगे हम, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वहां पर मान लीजिए कोई जानवर मर गया, कोई प्लांट वहां पर डिके हो रहा है, तो वो पूरा मिक्स हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है वो उसमें मौजूद है, डिकेड प्लांट में या फिर डिकेड एनिमल में। वो अगर डिके कर रहा है तो उससे जो न्यूट्रिएंट निकलेगा वो मिट्टी में जाएगा, उसको मिलाने पर सभी जगहों पर क्या होगा, हमारा मिल जाएगा, क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। इसके साथ ही हमें यह भी पता करना चाहिए, मतलब हमें यह भी पता है कि जो सॉइल है उसके ऊपर के कुछ सेंटीमीटर वाला हिस्सा ही होता है जहां पर प्लांट ग्रोथ पॉसिबल है या फिर जहां पर प्लांट की जड़ें मौजूद होती हैं। तो इस वजह से अगर हम सॉइल को टिल्ट कर देते हैं या फिर सॉइल को हम क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो नीचे सॉइल है, जैसे मान लीजिए इतना मोटा है हमारा क्या, इतना मोटा हमारा हमारी मिट्टी है, ऊपर का कुछ वाला हिस्सा ही है जहां पर प्लांट ग्रो करता है। और हमें यह पता है कि प्लांट जो है वो लगातार एब्जॉर्ब करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऊपर वाली मिट्टी में क्या होगा, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो अगर हम सॉइल को पलट देंगे तो नीचे वाली जो मिट्टी है जहां पर न्यूट्रिएंट अभी भी मौजूद है वो ऊपर आ जाएगा, और जब ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, ऊपर हमारे पास न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी हो जाएगी, सॉइल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब हम प्लांट लगाएंगे तो उसको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलेगा और वो अच्छी तरीके से ग्रो करने पाएगा, समझ गए। इसके बाद आता है कि जो हमारा प्रोसेस होता है लूजनिंग और टर्निंग, सॉइल के लूजनिंग और टर्निंग का, इसको टिलिंग या फिर प्लाउइंग कहते हैं। अब इसको किया कैसे जाता है, इसको किया जाता है प्लाव की मदद से। अब प्लाव जो होते हैं वो वुड या फिर आयरन के बने हुए होते हैं। अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो वहां पर पहले पानी पटाया जाता है प्लाउइंग करने से पहले, और जो प्लाउड फील्ड होता है उसमें बहुत बड़े बड़े सॉइल के पीसेज होते हैं जिसको कि क्या कहा जाता है, क्रम्स कहा जाता है। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि ये जो क्रम्स हैं ये क्या होते हैं, ऐसे आपको पढ़ने पर समझ में नहीं आ रहा होगा। अब यहां पर अगर हम ऊपर जाएं तो यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर ये जो मिट्टी है इसमें ड्राई आपको निशान देखने को मिल रहा होगा। ड्राई निशान कहने का मतलब क्या है कि यहां पर इस तरीके से फटाफटा लग रहा है कि बिल्कुल फटा हुआ है जमीन। तो ये जो क्रैक्स हैं, क्रैक्स की वजह से जो मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा बन जा रहा है वही हमारा क्रम्स कहलाता है। अब यहां पर इसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे हमें फिर से क्या देखने को मिलेगा, हमें पता चलेगा सॉइल के बारे में, समझ गए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आता है इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लांक, द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेस, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। यानी कि लेवलर होता है, देखिए अब प्लाव की बात कर लेते हैं तो प्लाव ऐसा होता है, प्लाव देखिए यहां पर आप प्लाव देख सकते हैं, प्लाव इतना बड़ा प्लाव है, इसमें एक प्लाव शाफ्ट होता है जो कि लंबा लकड़ी का रड होता है, इसके साथ ही प्लाउ शेयर होता है जो कि इस तरीके से शेप में होता है, और ये क्या करता है, ये मिट्टी के नीचे जाता है। यानी कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये मिट्टी के नीचे जाता है और मिट्टी को तोड़ता है, मिट्टी को क्या करता है, लूज करता है। और यहां पर ये जो हिस्सा है ये ऐसे बैल के कंधों पर एक बीम लगाकर और उससे जोड़ दिया जाता है, जिससे कि बैल जो है, बुल जो है, उसको खींचता है और ये ऐसे आगे बढ़ के मिट्टी को तोड़ते जाता है। अब यहां पर ये आप समझ गए कि प्लाउ शेयर क्या होता है, प्लाउ बीम क्या होता है, और ये पूरा प्लाउ शाफ्ट क्या होता है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना है कि जो लेवलर होता है वो ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन ये जो लेवलर है उसमें इसके जगह पर क्या होगा, एक वुड ब्लॉक होगा जो कि वुड इस तरीके से शेप में होगा स्ट्रेट, और वो क्या करेगा, मिट्टी को लेवल कर देगा, एक लेवल मिला देगा ताकि मिट्टी जो है वो फ्लैट हो जाए। क्योंकि देखिए अगर इसको आपने हल चलाया तो मिट्टी उबड़ खाबड़ जैसी हो जाती है, लेकिन लेवलर से हम क्या कर देते हैं, मिट्टी को लेवल कर देते हैं। अब यहां पर आगे बताया गया है, समटाइम्स मेन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, यानी कि प्लाव करने से पहले, टिल करने से पहले कई बार मेन्योर भी ऐड किया जाता है ताकि जब सॉइल को क्या किया जाए, जोता जाए, तो उस समय जो मिक्सिंग है मेन्योर का वो आसानी से हो जाए। और द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, यानी बोने से पहले मिट्टी को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, वाटर दिया जाता है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब हम देखिए जो ये टूल्स हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में प्लाविंग के लिए या फिर सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, उसकी बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सोइंग सीड बोने से पहले, सोइंग से पहले हमें क्या ज़रूरी है कि हम जो मिट्टी है उसको तोड़ दें और उसके बाद हम सो करें तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होगा। और ये किया जाता है बहुत सारे टूल्स की मदद से। जो मेन टूल हैं वो प्लाव, हो और कल्टीवेटर हैं, उनकी बात कर लेते हैं। प्लाव के बारे में देखिए हमने शॉर्ट में बात कर लिया, अब देखिए जो प्लाव है उसमें क्या है, इसमें लिखा गया है उसको देख लेते हैं। और इसको कहा जा रहा है कि हम एंशियंट टाइम से हजारों साल से यूज़ कर रहे हैं और इसको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर को ऐड करने में या फिर वीड को रिमूव करने में, सॉइल को स्क्रैप करने में। और ये बना हुआ होता है वुड का और इसको पेयर ऑफ बुल द्वारा खींचा जाता है। यहाँ पर यही प्लाव है, इसी की बात की जा रही है, पता नहीं फिर से क्यों लिखा गया है लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। और इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें, प्लाउ शेयर, प्लाउ बीम, प्लाउ शाफ्ट, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर अंत में लिखा गया कि पहले ये लकड़ी का हुआ करता था और अब धीरे धीरे इसको आयरन से रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन अब रियलिटी में बात करें तो अब प्लाउ का यूज़ बहुत कम होता है। अब क्या क्या यूज़ होता है, अब ट्रैक्टर का यूज़ होता है जिसके साथ में कल्टीवेटर लगा हुआ होता है जिससे कि कल्टीवेशन किया जाता है। अब हो की बात कर ले तो हो बहुत ही सिंपल टूल है जिसको कि वीड्स को रिमूव करने में या फिर सॉइल को लूज करने में यूज़ किया जाता है। इसकी इसमें लॉन्ग रोड होता है वुड का और या फिर आयरन का, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट होता है आयरन का जिसको कि एक एंड पर फिक्स किया जाता है। सिंपली कहें तो ऐसा होता है, ये इमेज आप देख सकते हैं हो का, जिसमें यहाँ पर बैल बांधे हुए होते हैं और पीछे ये होता है जो कि जमीन के नीचे जाता है और मिट्टी को क्या करता है, तोड़ता है और लूज करता है। कल्टीवेटर आप सिंपली समझ गए होंगे कल्टीवेटर क्या है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे जो हमारा यूज होता है प्लाउ बहुत ही हेवी होता है और आसानी से मिट्टी को तोड़ देता है, ये हमारा होता है क्या, कल्टीवेटर। इसके जरिए हम आसानी से, बहुत ही आसानी से, हल्के में सारे काम को कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सोइंग, यानी कि मिट्टी को बोने का जो प्रोसेस है, जमीन में मिट्टी को लगाने का जो प्रोसेस है वो होता है सोइंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइंग से पहले गुड क्वालिटी सीड को सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गुड क्वालिटी सीड जो होते हैं वो क्लीन होते हैं, हेल्दी होते हैं और बहुत ही अच्छी वेराइटी के होते हैं। और ऐसा अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा सीड लगाइएगा वैसा ही आपको प्लांट देखने को मिलेगा। अब यहां पर आता है सिलेक्शन ऑफ सीड, इसमें एक तरीका आपको बताया गया है जिसको कि हम यहां पर देख लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि जो पहेली है वो एक दिन अपनी माँ को देखती है कि कुछ वो सीड है, ग्राम की सीड, उसको एक वेसल में डालती है और उसमें कुछ पानी डाल देती है। कुछ मिनट बाद क्या होता है कि कुछ सीड हैं जो हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं और इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो जो सीड है वो ऊपर तैर क्यों रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि जो यहाँ पर जो सीड हैं जो कि ऊपर तैरने लगे उनकी क्वालिटी खराब थी या फिर वो खराब हो चुके थे। अब यहाँ पर वही चीज को आगे बात की गई है, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर कोई सीड है जो कि फ्लोट कर रहा है वाटर पे, अब यहाँ पर रीज़न है कि वहाँ पर वो फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो लाइट है और वहाँ पर हेवियर जो सीड्स हैं वो नीचे बैठ गए हैं। और यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये सीड लाइट क्यों है, उसका रीज़न है कि जो डैमेज हुए
डैमेज सीड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं, और इस वजह से वो हल्के हो जाते हैं और इस वजह से वो वाटर पर फ्लोट कर लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, गुड और हेल्दी सीड को सेपरेट किया जाता है ख़राब सीड से। तो ये एक तरीका बताया गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स, यानी कि बीज बोने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं उसके बारे में हमें समझ लेना है। ट्रेडिशनल टूल क्या यूज होता है, पुराने जमाने से क्या यूज हो रहा है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल, यानी कि फनल जैसा उसका शेप होता है। द सीड आर फिल्ड विद filled into the funnel, passed down through two or three pipes having sharp end, these end pierce into the soil and place seeds there. अब यहाँ पर इसका ये इमेज आपको लगता है कि आपको इस इमेज से समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए दूसरा इमेज मैं आपको दिखाता हूँ जिसके जरिए आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अब देखिए ऐसा होता है, क्या हमारा क्या होता है, किसकी बात हम यहाँ पर कर रहे थे, देखिए यहाँ पर फनल यानी कि जो सीड फनल होता है उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पर इसको कैसे रोपा जाता है इसको समझ लेते हैं इसके ज़रिए। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा हिस्सा है, एक मिनट, ये जो हिस्सा है इसमें हम सीड्स को डालते हैं। अब यहाँ पर सीड्स को डालते हैं और इसको धीरे धीरे हम पूरे प्लाव इस सीड फनल को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, ये सीड इसके ज़रिए ज़मीन में बैठते जाता है और यहाँ पर जो हमारा खेत जो सोविंग है यानी कि बीज बोने की जो प्रक्रिया है वो हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा पुराने ज़माने में बीज बोने की प्रक्रिया को किया जाता था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जो तकनीक यूज़ की जा रही है, उसको कहा जाता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, ये आज के समय में टेक्नोलॉजी है या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मशीन यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए सोइंग किया जाता है यानी कि बीजों को बोया जाता है। यहाँ पर ये इमेज आप देख सकते हैं सीड ड्रिल का कैसा होता है, और इसमें ऊपर ये जो इलाका है यहाँ पर सीड्स को भर दिया जाता है और ये आगे बढ़ते जाता है और ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं पाइप्स के ज़रिए सीड को ज़मीन में बो दिया जाता है। तो इस तरीके से सीड ड्रिल काम करता है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं कि आगे क्या हमें पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर यही बताया गया कि सीड ड्रिल ट्रैक्टर से साथ में जुड़कर यह काम करता है और ये प्रॉपर डिस्टेंस पर बीजों को बोता है और ये एक तरीके से इंश्योर करता है कि जो सीड है वो सॉइल द्वारा कवर कर दिया जाए। और ये इसलिए ज़रूरी है, यानी कि सॉइल द्वारा कवर कर दिया जाए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने बीज बोया ऊपर केवल रख दिया तो उससे क्या होगा, जो जानवर हैं यानी कि जो पंछी हैं वो आएंगे उस बीज को खा जाएंगे। और सीड ड्रिल का यूज़ करने से हमें टाइम और पैसे दोनों बचते हैं, समझ गए, और इसके साथ ही मेहनत भी बचता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बीजों के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी है जिसकी वजह से प्लांट जो हैं उनको सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वगैरह भी मिलता है जिससे कि खेती अच्छी होती है। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर ये भी बताया गया कि सफिशियंट सनलाइट न्यूट्रिएंट वाटर सभी चीज़ें मिलती हैं तो आसानी से ग्रो करता है। और कई बार होता है कि कुछ प्लांट्स को हटाना पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। ये तो वही बात हो गई, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे है नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट पॉइंट, वो है 1.5 एडिंग फॉर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यहाँ पर कहा जा रहा है द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सब्सटेंस जिसको कि सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट बढ़ाया जा सके न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, ताकि जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ कर सके, वो होते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। अब इसके बात करें, इसके बाद बात करें, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, यानी सॉइल जो है वो क्रॉप को मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट को ग्रोथ के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। यानी कि कई सारे देश में इलाके हैं जहाँ पर खेती लगातार की जाती है, जनवरी में दूसरा बीज बोया, गर्मी में दूसरा बीज बोया, फिर क्या जनवरी में दूसरा बीज, यानी ठंडे के सीजन में दूसरा बीज, गर्मी में, यानी सालों भर वहाँ खेती होती रहती है, लगातार होती रहती है, और वहाँ पर ज़मीन को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है ताकि ज़मीन ठीक हो जाए या फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस से भर जाएं, वहाँ पर लगातार खेती की जाती है। अब यहाँ पर यह होता है कि लगातार खेती करने की वजह से, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स की वजह से जो सॉइल है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, पुअर हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो फार्मर्स हैं उनको मैन्योर ऐड करने होते हैं फील्ड में ताकि सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कर सके। अब इसके बाद बात करें तो ये जो प्रोसेस है मैन्योरिंग का, तो ये जो
प्रोसेस है, इसको कहा जाता है मैन्योरिंग, जिसमें मैन्योर को ऐड किया जाता है। और जो इम्प्रॉपर या फिर इनसफिशियंट मैन्योरिंग है, इसकी वजह से प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। अब मैन्योर होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको कि प्लांट या फिर एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। जो फार्मर्स जो हैं वो प्लांट या फिर एनिमल वेस्ट को डंप कर देते हैं ओपन इलाके में और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो डिकम्पोज हो जाता है और वो उस डिकम्पोजिशन हुए हुए जो मैन्योर है, यानी कि जो मैन्योर है उसको जाकर अपने खेतों में डाल देते हैं। अब ये डिकम्पोजिशन होता कैसे है, ये डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और जो डिकम्पोज्ड मैटर है इसको ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है। अब इनके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा है, वर्मी कंपोस्टिंग में आपने नहीं पढ़ा है तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मैन्योर को दिखाया गया कि मैन्योर कैसा दिखता है, मैन्योर ऐसा दिखता है, और ऊपर यहाँ पर फर्टिलाइजर की बात करें तो ग्रेन्स जैसा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा फर्टिलाइजर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ें बताई गई हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी में वही कहा गया कि आप 3 पॉट लीजिए, 3 पॉट में कुछ ग्रेन्स को उगाइए और वहाँ पर एक में आप क्या डालिए, एक में मैन्योर डालिए, एक में फर्टिलाइजर डालिए और एक में कुछ मत डालिए, समझ गए। यहाँ पर कही जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि क्लास ए में कुछ काउडंक मैन्योर डालिए, बी में क्या डालिए, यूरिया डालिए, सी में कुछ मत डालिए, और उसके बाद नोट कीजिए कि कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है कौन सा नहीं ग्रो कर रहा है, ये चीज़ आप देखिए। अब देखिए यहाँ पर आगे फर्टिलाइजर की बात की गई है, तो जो फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें कुछ न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। और यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो फर्टिलाइजर है ये मैन्योर से कैसे अलग हैं, तो देखिए जो फर्टिलाइजर है इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और जो मैन्योर होते हैं उनको नेचुरली बनाया जाता है। अब देखिए जो एग्जाम्पल हैं कुछ फर्टिलाइजर के वो हैं अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फोस्फेट, पोटाश, NPK यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये तीनों का होता है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर NPK यानी कि नाइट्रोजन ऐसा दिखता है, फॉस्फोरस ऐसा दिखता है आपका, यहाँ पर पोटेशियम ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर एक किसान है जो कि यूरिया को कहाँ डाल रहा है, खेतों में डाल रहा है, यूरिया व्हाइट कलर का दिखता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है कि देखिए जो फर्टिलाइजर है उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे यील्ड मिल रहे हैं क्रॉप्स के, यानी कि क्रॉप जितना उगता था उसे बहुत ज़्यादा उग रहा है, और इसके साथ ही जो वीट है, पैडी है, मैज है, उसके जो प्रोडक्शन है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सोइल जो है लेस फर्टाइल हो रहा है, लेकिन यहाँ क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन जैसा स्थिति हो गया है। अब देखिए फर्टिलाइजर जो हैं उसके वजह से बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन भी हमें देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से अगर हमें सोयल का फर्टिलिटी बनाए रखना है तो हमें क्या करना होगा, फर्टिलाइजर को रिमूव करना होगा और उसके वजह से उसके बदले में ऑर्गेनिक मैन्योर डालना होगा, और या फिर जो फील्ड है उसको अनकल्टीवेटेड छोड़ना होगा 2 क्रॉप्स या फिर 3 क्रॉप्स के बीच में, यानी 1 क्रॉप उगाए कुछ दिन के लिए छोड़ दिया फिर दूसरा क्रॉप उगाइए, तो इस तरीके से हमें करना होगा। और जो यूज़ है मैन्योर का उसकी वजह से सॉइल टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है और उसके साथ साथ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव करता है, और इसके साथ ही जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं या फिर इंक्रीज हो जाते हैं। और जो दूसरा मेथड है सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने का, और वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कहने का मतलब कि आप जनवरी में कुछ दूसरा क्रॉप लगाइए, आप जो गर्मी का सीजन है उसमें दूसरा लगाइए, और जो ठंडी का सीजन है उसमें दूसरा लगाइए, और यहाँ पर यही कि अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स को अलग अलग अल्टरनेटिवली उगाया जाए। पहले क्या होता था नॉर्दर्न इंडिया में कि जो इंडियंस नॉर्दर्न इंडियंस थे वो क्या करते थे, लेग्यूम्स को उगाते थे ताकि वो जो जानवर हैं उनके फॉर्डर के लिए इस्तेमाल कर सके, और अगले सीजन में वीट को उगाते थे, तो इस तरीके से क्या होता था क्रॉप रोटेशन होता था, और उससे क्या होता था कि जो जमीन है उसकी जो कैपेसिटी है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें वो कम नहीं होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम हो रहे हैं। और इसके साथ ही क्या होता था, अब फार्मर्स को ये कहा जा रहा है कि आप इस प्रैक्टिस को इंक्रीज कीजिए या फिर इस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कीजिए। अब पहले के क्लासेस में हमने राइजोबियम के बारे में भी पढ़ा था कि जो कि एक तरीके से लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट में रहते हैं, रूट के नोड्यूल्स में रहते हैं, और वहाँ पर वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और वो एक तरीके से प्लांट्स को हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस बताया गया है तो इसको देख लेते हैं। फर्टिलाइजर और मैन्योर, फर्टिलाइजर जो है एक तरीके का इनऑर्गेनिक साल्ट है, यानी कि उसको
क्या कर क्या, वो नेचुरल नहीं है। अब इसके बाद बात करें तो मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है जिसको कि कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट या फिर प्लांट रेसिड्यू के एक तरीके से उसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनती है, मैन्योर जो है उनको फील्ड में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर जो है वो कोई भी सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन मैन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ही रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। मैन्योर जो है उसमें कम थोड़ा प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन ये ज़्यादा एक तरीके से बेहतर है। अगर इसके बाद बात करें तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज इट इन्हेंसेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी मैन्योर की वजह से सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, इसकी वजह से सॉइल पोरस हो जाता है, यानी उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि छिद्र जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से एयर आसानी से पास कर सकते हैं, गैसेस पास कर सकते हैं। और ये इंक्रीज करता है फ्रेंडली माइक्रोब्स को, जो माइक्रोब्स के बारे में हमने बात की कि वो बहुत ही मदद करते हैं एक तरीके से सॉइल को लूज करने में भी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी, और भी बहुत काम में। इसके साथ ही ये जो है मैन्योर जो है वो सॉइल के टेक्स्चर को भी इम्प्रूव करता है, उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, टेक्स्चर क्वालिटी इन सभी को इम्प्रूव करता है। इसके बाद आता है हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक, वो है टॉपिक नंबर 1.6 जो कि है इरिगेशन। तो अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। अब देखिए ये बात तो हमें पता है कि इरिगेशन वो बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, चाहे हम इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो या फिर प्लांट्स हो, सभी को वाटर बिल्कुल ही नेसेसरी है उनके सर्वाइवल के लिए, समझ गए? तो इस वजह से, क्योंकि देखिए जो प्लांट्स हैं वो कहीं जाकर पानी पी नहीं सकते, हमको उनको पानी देना होता है जाकर, यानी कि उनके जड़ों में पानी देना होता है, क्योंकि वो जड़ों के थ्रू सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन को सिंपली समझिए तो इरिगेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि हम जो है, यानी कि जो हमने क्रॉप उगाया है उसको कुछ टाइम इंटरवल के बाद पानी जरूरी होता है। अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टाइम इंटरवल होता है, तो हर जरूरी टाइम इंटरवल के बाद जो क्रॉप है उसको प्रॉपर वाटर दिया जाए, जितना उसको वाटर की जरूरत है। यानी जैसे हम पानी पीते हैं जब भी हमें प्यास लगता है, जैसे कहा जाता है कि एक दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 4 लीटर पीना चाहिए, तो उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उनको भी वाटर की जरूरत होती है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बींग हैं, उनको वाटर चाहिए जीने के लिए। वाटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वहाँ पर प्लांट है उनके फ्लावर्स, फ्रूट्स या फिर सीड्स जो हैं उनको उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर जरूरी है। वाटर जो है प्लांट के रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। और जो प्लांट हैं वो करीब 90% वाटर कंटेन करते हैं, यानी उनके अंदर 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। यानी कि देखिए आपने अपने घर में या फिर अपने आसपास जो कोई खेती करता है उसके पास सीड्स देखे होंगे, तो वो सीड्स अगर घर में रखे हुए हैं बिना वाटर के और बिना सर्टेन कंडीशन के, जो कि चाहिए उस सीड को जर्मिनेट करने के लिए, उगने के लिए, एक प्लांट बनने के लिए, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वाटर है। वाटर के बिना कोई भी सीड जो है ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं करेगा, वो बीज से कोई प्लांट बनने की शुरुआत नहीं करेगा, समझ गए? तो इस वजह से वाटर जरूरी होता है। और इसके साथ साथ वाटर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वाटर के साथ साथ जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट द्वारा, समझ गए? ऐसा नहीं कि न्यूट्रिएंट को जाकर प्लांट खाता है, नहीं, वो सॉल्यूबल फॉर्म में वाटर के साथ ही एक्सेप्ट करता है, समझ गए? अब इसके साथ बात यह है कि जो न्यूट्रिएंट है या फिर जो वाटर है वो जड़ों से जब एब्जॉर्ब होता है तो वो प्लांट के हर एक हिस्से तक पहुंचता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जड़ों तक रहता है, वो पत्तों तक भी पहुंचता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, 7th क्लास में, कि पत्तों तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, क्यों पहुंचता है? क्योंकि पत्तों में फोटोसिंथेसिस होता है, वहां पर वाटर जरूरी होता है, इसलिए वहां पर
पहुंचाना होता है वाटर, तो हर एक पार्ट में प्लांट के वाटर को पहुंचाया जाता है। वाटर जो है वो एक और काम करता है, और वो ये है कि जो क्रॉप है उसको फ्रोस्ट यानी जब एकदम बिल्कुल जमने वाली ठंडी हो जाती है वैसी स्थिति से भी बचाता है, जब ठंडी हवाएं चलती है उससे भी बचाता है, और जब गर्म हवाएं चलती हैं तो उससे भी बचाता है। जो सोइल है उसमें मॉइस्चर बनाए रखने के लिए और जो क्रॉप है उसको हेल्दी ग्रो कराने के लिए यानी क्रॉप के हेल्दी ग्रोथ के लिए जो फील्ड है उसको रेगुलरली वाटर करना बहुत ही जरूरी है। समझ गए? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर बात आता है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है ये समझ गए? यानी कि जितना भी समय जरूरी है अलग अलग अंतराल के बाद जब हम कोई भी क्रॉप को वाटर देते हैं उसी को इरिगेशन कहा जाता है। समझ गए? द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कितने दिनों के अंतराल में हमें पानी देना है क्रॉप को, यह बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कोई क्रॉप है उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए तो उसको हर दिन देना होगा, कोई क्रॉप है उसको थोड़ा मोड़ा पानी चाहिए तो उसको एक हफ्ते में एक बार देना होगा। अब जो मिट्टी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे बहुत मिट्टी है, बहुत जो उपजाऊ मिट्टी होती है तो उस उपजाऊ मिट्टी में क्या होगा कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो वाटर को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन कुछ मिट्टी ऐसे होते हैं जिनमें अगर पानी डालिएगा तो वो नीचे पूरा फ्लो करके चला जाएगा, तो वहां पर आपको जल्दी जल्दी पानी देना होगा। इसके साथ ही ठंडी के दिनों में आपको पानी का अंतराल देर तक रखना होगा, यानी गर्मी में आपको जल्दी जल्दी पानी देना होगा। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी है मॉइस्चर लूज करेगा प्लांट। समझ गए यहां पर यही चीज कि ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो काफी ज्यादा होता है सोइल में और इसके साथ साथ लीव्स में। अब इसके बाद यहां पर इरिगेशन होता कैसे है, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन में कौन कौन तरीके अपनाए जाते हैं वो उसकी बात की गई है। पुराने जो तरीके अपनाए जाते थे वो थे वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम, कैनल्स, ये सभी चीजें अब अभी भी यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि ये पुराने हो गए हैं लेकिन अभी भी यूज होते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अलग सिस्टम भी हम बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड की यहां पर बात की गई है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या क्या चीज किया जाता है। वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजंस फॉर टेकिंग टू फील्ड। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर बस लेस एफिशिएंट। यहां पर समझ गए? यहां पर ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है कि मैनुअली या तो जानवर द्वारा या फिर ह्यूमन द्वारा वाटर को लिफ्ट किया जाता है और वाटर से इरिगेशन किया जाता है। एग्जांपल कुछ दिए गए हैं, जैसे जो मोट है, ये मोट है, यहां पर एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है, इसको डाला जाता है, उसे पानी निकाला जाता है और फिर ऐसे फ्लो कराकर खेतों में पहुंचाया जाता है। लेकिन यहां पर दूसरा सिस्टम है, दूसरा सिस्टम क्या है, चेन पंप। यहां पर चेन के जरिए वाटर को इस तरीके से खींचा जाता है और उससे इरिगेशन करवाया जाता है। ढेकली अब तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, लेकिन हम लोग जब बचपन में थे, बच्चे थे, तो हम लोग गांव जाते थे तो वहां पर हमने ये ढेकली देखा था कि ढेकली कैसा होता है, कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है, एक कोने पर पत्थर बांध दिया जाता है या फिर कुछ वजन का, और इस कोने पर क्या किया जाता है, बल्टी को लटकाकर डाला जाता है नीचे कुआं में। और ऐसा किया जाता है इसमें कि जब ये बल्टी भर जाए तो इसको वापस ऊपर खींच लिया जाता है, इसको मतलब इन दोनों को बैलेंस किया जाता है, इन दोनों तरफ को, कि बल्टी भरने पर बैलेंस हो जाए, आसानी से ये ऊपर आ जाए, और फिर इसको क्या किया जाता है, यहां पर पानी डालकर इरिगेशन करवाया जाता है। इसके अलावा यहां पर ये रहट या फिर रेहट कहा जाता है इसको, इसके जरिए भी इरिगेशन करवाया जाता है। इसमें यहां पर ये जो बैल देख रहे हैं ये गोल गोल घूमेगा और क्या करेगा, इसको घुमाएगा, और इस खंबे से जुड़ा हुआ होता है ये व्हील जो है ये इस तरीके से घूमते रहता है और नीचे से पानी लाकर ऊपर गिराते रहता है और इरिगेशन होते रहता है। इसके अलावा आज के समय में पंप बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके अलावा डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी सभी को यूज किया जाता है पंप को रन करने में। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर आता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड में हमें दो सिस्टम पढ़ने हैं, पहला स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ना है, दूसरा ड्रिप सिस्टम पढ़ना है। अब ये जो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम ऐसे सिस्टम है जिसमें कि पानी कम यूज होता है और ज्यादा इरिगेशन होता है। अब जो स्प्रिंकलर सिस्टम में है उसमें क्या होता है, इस तरीके का मोटर लगा होता है, मोटर से कनेक्शन देकर स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं ताकि ये स्प्रिंकल करते रहे। अब इसमें भी कई तरीके के वेरिएशन आते हैं। अब जैसे आपने अपने आसपास अगर देखा होगा या फिर नेट पर देखा होगा स्प्रिंकलर सिस्टम कि ये कैसा दिखता है, तो इसकी बात करें तो ये ऐसा दिखता है मशीन, और ये लगातार घूमते रहता है और वाटर को क्या करता है, स्प्रे करते रहता है, स्प्रिंकल करते रहता है। इसमें क्योंकि पानी कम लगता है और साथ में ये ज्यादा
एक तरीके से एफिशिएंट होता है वाटर के मामले में, इसलिए इसको आजकल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसके बारे में, इसमें क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा यूजफुल है जहाँ पर लैंड अनइवन है, जहाँ पर सफिशियंट वाटर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर पाइप्स लगाए जाते हैं जो जिनमें रोटेटिंग नोजल होता है टॉप पर, और इनसे इनको मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है, और वाटर को जब अलाउ किया जाता है फ्लो करने के लिए तो ये वाटर जो कि प्रेशर में होता है वो एक तरीके से पंप निकलता है उस नोजल से और पूरा स्प्रे करता है। और यहाँ पर आगे बढ़े तो ड्रिप सिस्टम की बात की गई है। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप ड्रॉप करके जो प्लांट है उसके जड़ों में पानी दिया जाता है, और ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है, वाटर कम इसमें खर्च होता है और बहुत ही एफिशिएंट होता है, वाटर वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है। इस सिस्टम में जो वाटर है वो फॉल करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, जहां पर रूट है उस रूट के एकदम बिल्कुल ही जड़ पर, यानी इधर उधर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल जड़ पर जाएगा और जड़ पर जाकर गिरेगा। अब इसके बाद आगे बढ़े हैं तो आगे यहां पर सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, यानी कि ड्रिप ड्रॉप ड्रॉप करके ये वाटर इसमें गिरता है, और ये एक तरीके का बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स या फिर गार्डन्स या फिर ट्रीज को प्लांट करने के लिए। और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर देता है, वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, और ये काफ़ी पॉपुलर है या फिर इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पर वाटर बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। अब इस ड्रिप सिस्टम का एग्जांपल देखें तो ड्रिप सिस्टम का एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से पाइप पूरे बिछाए जाते हैं, हर प्लांट के जड़ जो हैं उसके बगल से पाइप बिछाए जाते हैं, और इस तरीके से अगर प्लांट का कहीं पर जड़ है तो वहाँ पर ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या होता है, वाटर हमेशा गिरते रहता है, यानी कि उस प्लांट को कभी भी वाटर की कमी नहीं होती है, और क्या होता है आसानी से वो अपना जो नीड है उसको करने पाता है, पूरा करने पाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स से प्रोटेक्शन को देख लेते हैं। वीड्स क्या होते हैं? वीड एक तरीके से अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जो कि खेतों में उग जाते हैं हमारे क्रॉप्स के अलावा। जैसे हमने अगर राइस लगाया है अपने खेतों में तो राइस के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे जो कि खुद से उग जाएंगे, वो उन प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उन वो प्लांट्स एक तरीके से हमारे लिए वेस्टेज हैं या फिर हार्मफुल हैं हमारे क्रॉप्स के लिए, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट मैं देना चाह रहा हूँ अपने क्रॉप को उसके बदले वो वीड्स हैं, यानी अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस वजह से वीड्स को हटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यही होते हैं वीड्स। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, इन अ फील्ड many other undesirable plants may grow naturally along with the crops, these undesirable plants are called weeds। और यहाँ पर जो रिमूवल का प्रोसेस है वीड्स का उसको वीडिंग कहा जाता है। वीडिंग जो है वो बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि वही चीज़ की जो न्यूट्रिएंट्स हमारे खेतों में मौजूद हैं वो हमारे क्रॉप्स के बदले इनको मिलेंगे, क्योंकि वो कंपटीशन में आपस में, दोनों को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, तो इस वजह से हम देना नहीं चाहते इनको, इसलिए ये हमारे लिए अनवांटेड है, इसलिए इनको हटाना बहुत ही ज़रूरी है, समझ गए। तो इस वजह से ये क्रॉप को अफेक्ट भी करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट, वाटर, स्पेस, लाइट हमारे प्लांट को मिलना चाहिए था वो ये कंज्यूम कर लेते हैं। और इसके अलावा कुछ वीड्स तो हैं वो बहुत ही एक तरीके से इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में भी, और बहुत सारे पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के लिए, यानी कि इनको बहुत रीजन से हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत रीजन से ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब देखिए जो फार्मर्स हैं वो बहुत तरीके अपनाते हैं वीड्स को हटाने के लिए और उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। सबसे अच्छा जो है वो है टिलिंग, यानी कि प्लाव करके एक बार चला दिया तो वीड्स जो हैं, यानी कि मान लीजिए कोई जमीन है वो खाली है, उसमें वीड्स पहले से उगे हुए हैं, उन वीड्स को ख़त्म करना है, क्या करो टिलिंग कर दो, यानी कि क्या कर दो, प्लाव चला दो, और समझ गए। उससे क्या होगा कि जो वीड्स होंगे वो अपरूट हो जाएंगे और मर जाएंगे, और इसके साथ ही वो सूख भी जाएंगे और सॉइल के साथ मिक्स भी कर जाएंगे। और सबसे अच्छा टाइम होता है वीड को हटाने का वो होता है जब वो फ्लावर को प्रोड्यूस या फिर सीड को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। और जो मैनुअल रिमूवल होता है उसमें फिजिकल हाथ से रिमूव किया जाता है, या तो उसको जड़ से उखाड़ दिया जाता है या फिर बहुत ही जमीन से सटाकर उसको उनको काट दिया जाता है, और इसको खुरपी की मदद से किया जाता है या फिर सीड ड्रिल की मदद से किया जाता है, क्योंकि सीड ड्रिल को भी यूज़ किया जाता है किस चीज़ में, वीड्स को रिमूव करने में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस है, यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं इसमें क्या किया जा रहा है, वीड रिमूव किए जा रहे हैं, कहाँ से, खेतों में से जो कि अनवांटेड प्लांट्स उग चुके हैं। आप अगर खेत में कभी जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे घास जैसे प्लांट्स उग जाते हैं जो कि एक तरीके से किसानों के लिए अनवांटेड होते हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती।
और इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जो वीड्स हैं उनको हटाने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है, वो है केमिकल्स। केमिकल्स की मदद से जो हटाया जाता है उन केमिकल्स को कहा जाता है वीडिसाइड, वीडिसाइड कहा जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है 2,4-2,4-D, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। और इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड में ताकि वीड्स को खत्म कर दिया जा सके, और ये लेकिन क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वीड्स को हटाएंगे क्रॉप्स को डैमेज नहीं करेंगे। और जो वीडिसाइड है इनको वाटर में डाइल्यूट यानी वाटर में घोल दिया जाता है और उसको स्प्रेयर से स्प्रे कर दिया जाता है जितना कि जरूरी है। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है, देखिए इस तरीके से स्प्रे किया जा रहा है वीडिसाइड को, और यहां पर अगर बात करें तो ये एक तरीके से वीडिसाइड जो है वो हार्मफुल होते हैं किसके लिए भी, जो किसान है उनके लिए भी। तो इस वजह से इस वीडिसाइड को छिड़कने से पहले किसानों को अपने नोज और माउथ को कवर करना होता है जिससे कि वो अपने आप को बचा सके, अपने हेल्थ को बचा सके। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 1.8 हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि जब कटाई की बात आती है, कटाई यहां पर कहा जा रहा है। हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है एक क्रॉप के लिए, जब भी कोई क्रॉप उगाया जाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी जब वो पक चुका है, तैयार हो चुका है, उसके बाद जो काटने की जो प्रक्रिया है, जब काटने का जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, यानी जमीन से सटाकर क्रॉप्स को काट लिया जाता है या फिर उनको उखाड़ लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3-4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, यानी जो सीरियल क्रॉप है उसको ग्रो होने में 3-4 महीने लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज डन बाय मैनुअली बाय अ सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, यानी सिकल यहां पर आप देख सकते हैं, यही है सिकल, इसी के जरिए हार्वेस्टिंग किया जाता है, यानी कि जो क्रॉप है उनकी कटाई की जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग क्या हो गया, थ्रेसिंग क्या हो गया, ये समझ गया, थ्रेसिंग यानी कि जो पूरा प्लांट है उसमें से जो ग्रेन्स हैं उनको अलग करना, हमारा थ्रेसिंग हो गया। और पूरा प्लांट जब मैच्योर हो गया है, तैयार हो गया है खेत में, उसको कटाई करना हमारा क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि हमारे इलाके में कैसे किया जाता है। अब यहां पर देखिए मैनुअली यहां पर क्या किया जा रहा है, थ्रेसिंग किया जा रहा है यहां पर, ये थ्रेसिंग के लिए मैनुअली मशीन भी यूज किया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर, कई इलाकों पर थ्रेसिंग के लिए क्या किया जाता है यूज, कंबाइंड हार्वेस्टर यूज किया जाता है, जिसको कि कंबाइंड कहा जाता है। ये कटाई भी साथ में ही करता है और साथ में ये अलग अलग भी कर देता है, यानी कि हार्वेस्टर का भी काम करता है और साथ में थ्रेसर का भी काम करता है। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आगे क्या पढ़ाया गया है, आगे क्या लिखा गया है, आगे यहां पर है, देखिए यहां पर कहा जा रहा है फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ बाय विनोइंग। विनोइंग, विनोइंग क्या होता है, विनोइंग एक प्रोसेस होता है। देखिए विनोइंग मशीन में क्या होता है, इसमें हवा को फ्लो कराया जाता है और फिर हवा की मदद से जो सीड्स हैं और जो यहां पर शाफ हैं उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे कि आपने ये चीज देखा होगा, ये तस्वीर आपने देखी होगी आपके घर में भी, जो आपकी माँ होती है वो करती होगी। इसके अलावा जो किसान होते हैं वो इस तरीके से करते हैं, एक तरफ से हवा फ्लो कराते हैं या फिर जब हवा चल रहा होता है तो ऊंचाई पर खड़े होकर इन ग्रेन्स को ऐसे गिराते हैं जिससे कि हवा से जो शाफ होता है वो इधर गिर जाता है, यानी जो क्रॉप का डंठल वगैरह होता है, जो वेस्टेज होते हैं वो हवा से फ्लो करके उड़ जाते हैं और जो ग्रेन्स है वो नीचे आकर बैठ जाता है। तो इस तरीके से ये क्रॉप्स को, क्रॉप के ग्रेन्स को अलग किया जाता है उसके बाकी के बॉडी पार्ट से। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में पढ़ाया गया है कि हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो कि हार्वेस्ट से जुड़े हुए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज देखिए हमारे किसी भी ग्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम सही से स्टोरेज नहीं करें तो हमारे इतने महीनों की मेहनत बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एक तरीके से खराब अगर हो गया तो क्या होगा, जीरो, हमारा पूरे काम का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो ये जो क्रॉप है उनको अगर बहुत लंबे समय तक रखना है तो उनको एक बहुत चीजों से बचाना होता है। किन चीजों से, मॉइस्चर से बचाना होता है, इंसेक्ट से बचाना होता है, रैट से बचाना होता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होता है। अब ऐसा करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो इसमें यहां पर प्रोसेस ये है कि जो फ्रेश क्रॉप होता है
उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। अगर फ्रेश क्रॉप को अगर हम बोरियों में भरकर या फिर ग्रैनरीज में भरकर रख देते हैं तो वो फ्रेश क्रॉप क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी फ्रेश क्रॉप होता है तो उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, और सुखाने के बाद जाकर हम स्टोर करते हैं उसमें, ताकि एक तरीके से वो स्टोर रहे और उनकी क्वालिटी खराब ना हो। लेकिन अगर हम बिना सुखाए किसी भी ग्रेन को, किसी भी क्रॉप को रख देंगे तो क्या होगा कि वो स्पॉइल हो जाएंगे, यानी सड़ जाएंगे, या फिर ऑर्गेनिज्म द्वारा अटैक कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने आगे चलकर जर्मिनेशन कैपेसिटी लूज कर देंगे। तो इस वजह से जब भी हमें स्टोर करना हो तो स्टोर करने से पहले क्या करना होगा, ग्रेन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सुखाना होगा धूप में, और उनके अंदर जो मॉइस्चर हो उसको घटाना होगा, कम करना होगा। और इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट है, पेस्ट है, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सभी क्या होंगे, इनका अटैक होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। और जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं मेटालिक बैग्स में, या फिर जूट बैग्स में, या फिर मेटालिक बीन्स में। लेकिन जब हम बहुत बड़े स्केल पर स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, तो इनको साइलोज में स्टोर किया जाता है या फिर ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है, ताकि उनको पेस्ट या फिर रैट या फिर इंसेक्ट से बचाया जा सके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेनरीज में कैसे स्टोर किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो साइलो बनाया गया है इसमें कैसे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, क्रॉप्स को कैसे स्टोर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो घर है, यानी कि जो कोई किसान अगर रख रहा है ग्रेन्स को, तो वो कैसे स्टोर करेगा, कैसे इंसेक्ट से बचाएगा। इंसेक्ट से बचाने के लिए वो क्या करेगा, नीम के पत्तों का इस्तेमाल करता है, नीम के पत्तों को डाल देता है। लेकिन जब हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं बहुत बड़े गोडाउंस में या फिर ग्रैनरीज में, तो वहां पर क्या करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पनपे, या फिर पेस्ट ना पनपे, या फिर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। अब इसके बाद आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है फूड फ्रॉम एनिमल। हमने फूड फ्रॉम प्लांट तो देख लिया, अब इसी से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। इसको हमें समझना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको टेबल दिया गया है, इसमें कहा गया कि आप कौन कौन सी चीजें हैं वो एक तरीके से आपको एक तरीके से मिलते हैं, और उसका सोर्स क्या है, कौन कौन सी चीजें कहां से मिलती हैं। तो यहां पर आप जब इस टेबल को कंप्लीट कीजिएगा, सोर्स पता कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं फूड के, जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं कोस्टल एरिया में, वो फिश को कंज्यूम करते हैं मेजर पार्ट ऑफ डाइट, यानी मेनली उनका भोजन फिश होता है, या फिर और भी बहुत सारे देश में लोग हैं जो कि क्या करते हैं, दूध पीते हैं। दूध तो अभी पीते होंगे, आपके घर में भी सब लोग पीते होंगे, चाय पीते होंगे, दूध पीते होंगे, दही वगैरह खाते होंगे, तो ये कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। इसके अलावा आप या फिर आपके आसपास लोग जो है वो चिकन वगैरह भी खाते होंगे, मांस भी खाते होंगे, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, एनिमल वगैरह से आती हैं। तो इस वजह से अगर हम देखें तो जो प्रोसेस होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, उसमें बहुत सारे स्टेप्स लगाए जाते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग या फिर हार्वेस्टिंग। उसी तरीके से जब भी एनिमल को पाला जाता है घर में या फिर फार्म में, जब उनको इसलिए कि वो हमें कुछ प्रोवाइड करे फूड उस पर्पस से, तो वहां पर भी बहुत तरीके के काम किए जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर फूड उनको दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, उनका केयर किया जाता है कि उनको चोट ना लग जाए, घाव ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए। तो जब इसको बहुत बड़े स्केल पर हम करते हैं तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। यानी कि अगर आपने कोई खटाल देखा हो जहां पर 500 गायें रखी हुई हैं ताकि उनसे दूध निकालकर बेचा जा सके, वो क्या हो रहा है, वहां पर एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है। कोई मुर्गा का फार्म है, मुर्गा को क्या करा रहा है, चिकन को ग्रो करा रहा है, ताकि उसको आगे चलकर बेचा जा सके और उससे पैसे कमाए जा सके, तो वो क्या है, वो एक तरीके का एनिमल हस्बेंड्री है। उसी तरीके से अगर कोई तालाब खान देता है और वहां पर क्या करता है, वहां पर मछलियों को पालता है ताकि मछलियां बेचा जा सके लोगों के कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अब यहां पर देखिए, ये जो कीवर्ड्स आपके दिए गए हैं, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी कीवर्ड्स को लगभग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, अपने नोटबुक में भी देख लीजिए ये जो कीवर्ड्स हैं, ये आपने सही से पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा। यहां पर इसके बाद आते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस, उसके लिए मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।